बजाज पल्सर एनएस 200 में जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो आप लोग देख लो मेरा भाई। याद है कि भैया प्राइस क्या है एनएस 200? तो ये है बजाज पल्सर एनएस 200 BS6 फेज 2 2024 का ब्रांड न्यू अवतार में इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बाइक है ना भाई, नेकेड स्ट्रीट फाइटर डिजाइन पर ये बेस्ड है और इसका जो लुक वाइज जो डिजाइन है ना, रेडी टू अटैक पोजीशन वाला आपको इसका डिजाइन देखने को मिलेगा। बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे बजाज ने बनाया है और जो बदलाव इस मोटरसाइकिल में आपको देखने को मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस बाइक का फ्रंट से लुक ले लो। हैलोजन हेडलाइट सेटअप इसमें देखने को मिल जाएगा। ट्विन आपको यहाँ पे हैलोजन पायलट लाइट इसमें नीचे की तरफ दिए हुए मिल जाएंगे और जो इंडिकेटर है ना मेरे दोस्त, वो आपको बल्ब एंड रिफ्लेक्टर वाला इंडिकेटर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर चाहो तो आप इसमें LED इंडिकेटर भी शोरूम में इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसके पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और जो मेन आपको जो हाईलाइट 2024 में आपको देखने को मिलेगा वो इसका कलर आपको देखने को मिलेगा। जो इसमें आपको दो तीन कलर और आता है, एक हो गया ये आपको कंप्लीट ये शाइन ब्लैक, दूसरा आपको पैशन रेड कलर है, तीसरा पर्ल वाइट कलर और चौथा इसमें आपको प्यूटर ग्रे कलर आता है। तो ये मैं आपको ब्लैक कलर डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। फ्रंट में आपको देखोगे हेडलाइट वाइजर पे स्टिकर आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाते हैं। बजाज का अपना टिपिकल ब्रांड लोगो इसमें देखने को मिल जाता है। मतलब बोला जाए तो भाई फ्रंट से NS का जो हेडलाइट सेटअप है वो LED नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद NS 200 में बजाज अपडेट देने वाली है। सबसे मेन हाईलाइट इसका आपको USD डॉन फॉग आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। ये देख लो, ये सबसे लेटेस्ट अपडेट है। और दूसरा आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, 300mm के फ्रंट में डिस्प्लेट मिल जाता है, ग्रामिका का कैलिपर मिल जाता है। हालांकि पहले बाइब्रे के कैलिपर आता था, लेकिन कंपनी इसमें NS 200 में अब ग्रामिका के कैलिपर सेम अपने N सीरीज वाला आपको कैलिपर इसमें लगा के देती है। फ्रंट टायर साथ आपको 180/17 का आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। मैट ग्रे पेंटेड आपको 17 इंच के अलॉय व्हील फ्रंट और बैक में आपको इसमें देखने को मिल जाने वाले हैं। ये देखो साइड प्रोफाइल आप लुक ले लो, यहाँ से जो बाइक कितनी गजब लगती है ना भाई। बेसिकली ये जो 200 लिखा हुआ आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है और यहाँ पर रेड का स्टिकर आपको देख सकते हो। यहाँ पर देखो पल्सर नेम की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये कि 3D लोगो फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है लगभग आपको 12 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। E20 पेट्रोल से ये मोटरसाइकिल ऑपरेटेड है। तो इसका जो माइलेज है ना रफली आपको 45 to 48 KMPL के बीच का ये माइलेज आपको निकाल के देती है। बाकी जो माइलेज होता है ना मेरे दोस्त, वो आपके राइडिंग स्किल और बाइक के मेंटेनेंस पर भी डिपेंड करता है। इसका मीटर आप देखो, ये देखो मीटर आपको इसमें डिजिटल और एनालॉग कॉम्बिनेशन वाला इसमें मीटर देखने को मिल जाता है। जो अपडेट हुआ ना मेरे दोस्त, उसमें अब आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज और डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये आपको इसमें मीटर में सॉफ्टवेयर वाइज अपडेट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ जो मीटर है ना, एज इट इज आपको पुराने कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे आपको न्यूट्रल की लाइट, बैटरी की लाइट, लो ऑयल प्रेशर की लाइट, इंजन मैलफंक्शन की लाइट, यहाँ पे आपको पास लाइट नोटिफिकेशन की लाइट और यहाँ पे बजाज का अपना टिपिकल ब्रांड लोगो मिल जाता है, ABS की लाइट मिल जाती है, मोड और सेट के आपको इसके मीटर पे फिजिकल बटन मिल जाते हैं, RPM लिमिट की लाइट मिल जाती है। दूसरे साइड में देखोगे तो यहाँ पे पास लाइट मिल जाता है, हाई बीम लो बीम का लाइट मिल जाता है, इंडिकेटर की लाइट मिल जाती है और यहाँ नीचे में आपको हॉर्न का बटन मिल जाता है। दूसरे साइड में आपको रेड कलर में इंजन किल स्विच, नीचे की तरफ सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ बजाज में आपको इसका बैक एलईडी स्विच इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ऊपर से आप लुक ले लो इस मोटरसाइकिल का, कितनी गजब लग रही है। और यहाँ पे NS 200 की यहाँ पे ब्रांडिंग आप देख सकते हो स्टिकर फॉर्म में, और जो अन्य स्टिकर हैं वो कुछ इस प्रकार इसमें लगे हुए मिलेंगे। स्प्लिट ग्रे ब्रेल मिलता है जो कि आपको मैट ब्लैक फिनिश के फॉर्म में देखने को मिल जाता है। बैक से जो इसका जो प्रोफाइल है वो कुछ इस प्रकार इसमें देखने को मिलेगा, जो कि पुराना ही वाला मॉडल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ वही है, इसमें एक रुपया का भी फर्क नहीं मिलता है। रेयर टायर हगड़ मिल जाता है, एसेसरीज के तौर पे साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेग गार्ड इसमें आपको प्री इंस्टॉल कंपनी फिटेड आपको शोरूम में ही मिल जाने वाले हैं दोस्तों। इसमें इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। यहाँ पे पैरीमीटर फ्रेम मिलता है, सेम RS 200 के तरह से NS 200 में भी आपको पैरीमीटर फ्रेम का इस्तेमाल बजाज कंपनी करती है। ये इंजन का दूसरे साइड का लुक आप देख सकते हैं, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको नंबर ऑफ गियर 6 मिल जाते हैं। सेफ्टी के लिहाज से इसमें 10.5 का इंजन कटऑफ का सेंसर लगा के दिया गया है। और यहाँ पर देखोगे ना पीछे का सीट ओपन करने के लिए की सेक्शन होल आपको यहाँ मिल जाता है, और नाइट्रोक्स कंपनी का आपको एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन बैक में लगा के मिल जाने वाले हैं। बैटरी पैनल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इसमें लगे हुए मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे मेन चीज़ इस मोटरसाइकिल का है ना, वो है पिकअप।
NS200 पल्सर जो है वो शुरू से पिकअप के लिए जानी जाती है, कंफर्ट के लिए जानी जाती है। इसका जो सीट हाइट है लगभग आपको 805 mm का सीट हाइट मिल जाता है, लेकिन इसका जो सीट है ना कुशन थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया है। आप इसमें विथ पिलियन या फिर घर में बड़े बुजुर्ग को भी आराम से इसमें एज अ प्लेन बैठा सकते हो। यहाँ पे देखो ना, इसमें सिंगल स्टैंड के साथ आपको मेन स्टैंड मिलता है। इससे आपकी बाइक को वॉश करने में या चेन वगैरह क्लीन या लूप करने में आपको बहुत मदद साबित होता है भाई। और बाकी जो इसमें जो इसका जो थीम है कंप्लीट आपको शाइन ब्लैक और मैट ब्लैक और मैट ग्रे का कॉम्बिनेशन इस मोटरसाइकिल में देखने को लगता है। और पीछे की तरफ देखो, यहाँ भी आपको ग्रामिका का आपको यहाँ पर कैलिपर मिलता है। इसमें आपको सेम कैलिपर इस्तेमाल किया गया है। बैक टायर प्रोफाइल जो है ना, ये देखो 130/70/70 का आपको बैक में टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। अंडरवैली एग्जॉस्ट इसमें देखने को मिल जाता है। इंजन साउंड किस तरह ये बीस्ट करता है मैं आपको सुना देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं इस जंगली घोड़े का गुर्राना। तो सुन लो भाई। बजाज कंपनी अपनी NS200 में लगा के देती है 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल 4 वेल्व। आपको इसमें DTSI ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी वाला BS6 फेस 2 OBD2A अपडेटेड आपको 2024 मॉडल का ब्रांड न्यू इंजन इसमें लगा के मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको मिलती है लगभग आपको 24.5 PS का ये पावर जनरेट करेगी 9750 RPM पे। और मैक्सिमम टॉर्क जो इसका इंजन आउटपुट निकाल के देगा लगभग आपको 18.74 NM का टॉर्क निकाल के देगा 8000 RPM पे। इसमें आपको 6 गियर मिल जाते हैं और स्लीपर क्लच का अभी फिलहाल अपडेट इसमें नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद बजाज अपनी पल्सर NS200 सीरीज में भी स्लीपर क्लच एड ऑन करने वाली है। अब डायमेंशन के ऊपर अपन लोग थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं। और इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग आपको 168 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। व्हील बेस आपको 1363 mm के इसमें आपको व्हील बेस मिल जाने वाले हैं। और कर्व वेट इस मोटरसाइकिल का लगभग आपको 158 kg का इसमें आपको कर्व वेट दिया गया है। मेरे दोस्त, अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल खोज रहे हो जो कि 200 सीसी का पावरफुल इंजन मिल जाए, माइलेज आपको ठीक ठाक दे दे, साथ ही साथ जो भौकाल है आपका, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल या फिर आपका स्कूल हो या फिर मार्केट एरिया हो, वो आपका टाइट रखे, तो बजाज की जो पल्सर NS200 जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। बजाज बोले तो मतलब रीसेल वैल्यू का राजा। स्पेयर पार्ट्स का जो झंझट होता है ना उससे आपको आज़ादी है इस बाइक के साथ, साथ ही साथ जो रीसेल वैल्यू बहुत ही तगड़ा है। दूसरी चीज़, इसका जो माइलेज है आपको आराम से 45 से लेकर के 48 के बीच का आपको माइलेज क्लेम करती है। कंफर्ट के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है। ओवरऑल देखा जाए तो अपने सेगमेंट में बहुत ही राजा गाड़ी से माना जाता है ये। अब बारी आती है कि भैया प्राइस क्या है NS200 2024 मॉडल का। आज पल्सर NS200 जो है 2024 मॉडल USD डॉन फॉग और डुअल चैनल ABS के साथ जो आती है, इसका जो प्राइस रेंज स्टार्ट होता है 151,900 रुपये एक्स शोरूम प्राइस रेंज इसका स्टार्ट होता है। ऑन रोड प्राइस मालूम करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में बजाज शोरूम का सारा डिटेल एड्रेस के साथ मेंशन कर रखा है। आप यहां पे कॉल करके बजाज प्रोडक्ट से रिलेटेड आप यहां पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ऑन रोड प्राइस भी मालूम वहां कर सकते हैं। तो इसी नोट पर करते हैं वीडियो खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दो इस बाइक को ज्यादा लिव फ्री राइड आर्ट एंड हैव अ सेफ राइड। पीस।